नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 75,000 की रेंज में बेस्ट पॉसिबल गेमिंग पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने सीपीयू की, और सीपीयू के लिए मैंने चूज़ किया है इंटेल कोर i5 6600K। तो फिर दोस्तों, ये एक स्काईलेक प्रोसेसर है, इसके अंदर चार कोर हैं, चार के चार 3.5 GHz पर लॉक्ड हैं, और आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं क्योंकि ये के सीरीज का प्रोसेसर है। तो दोस्तों, आप सर टर्बो बूस्ट ले सकते हैं 3.9 GHz तक। बात करें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो फिर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी और आप इसमें सारे के सारे रिसेंटली रिलीज गेम्स को अच्छी तरह खेल पाएंगे। ये आपको अंडर 20,000 मिल सकता है Amazon पर, और ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। ये 4K का रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक अनलॉक प्रोसेसर है, तो ये और भी काफी अच्छी बात है क्योंकि आप इसे फ्यूचर में या फिर खरीदने के बाद ही ओवरक्लॉक कर सकते हैं। आप इस पर अपना सारा का सारा एडिटिंग वर्क, जैसे कि आप इस पर फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो भी अच्छी तरह चला सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग भी एकदम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, इस रेंज में आपको यही प्रोसेसर खरीदना चाहिए। बात करते हैं अपने मदरबोर्ड की, और मदरबोर्ड के लिए मैंने चूज किया है गीगाबाइट का GAZ170D3H मदरबोर्ड। तो फिर दोस्तों, ये एक काफी अच्छा मदरबोर्ड है, ये सपोर्ट करता है हमारा i5 6600K को, क्योंकि इसका भी सॉकेट टाइप है LGA1151। इसमें आपको चार रैम स्लॉट्स मिलते हैं, और एक में आप मैक्सिमम 16GB रैम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि क्लॉक्ड हो सकती है 3466 MHz तक। तो फिर आप इसमें टोटल 64GB रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये DDR4 रैम को सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंने बता दिया है, ये मैक्सिमम ऑफ 3466 MHz तक की रैम को सपोर्ट करता है। इसमें आपको AMD के क्रॉसफायर का सपोर्ट मिल जाता है, और साटा 6 JB/s का भी सपोर्ट मिल जाता है। आपको इसमें 4 USB 3 पोर्ट्स मिलते हैं, 4 USB 2 पोर्ट्स मिलते हैं, और जो इसकी खास बात है वो है कि आपको इसमें एक USB-C पोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, USB-C पोर्ट होना एक काफी खास बात है, क्योंकि अब तक ये मैंने किसी भी मदरबोर्ड में नहीं देखा है। और दोस्तों, USB-C पोर्ट की खास बात है कि आप इसे सीधा या फिर उल्टा किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो फिर दोस्तों, ये काफी अच्छा रहेगा एक मदरबोर्ड में होना। तो फिर दोस्तों, अब मुझे लगता तो नहीं है कि आप इसमें वैसे कुछ नॉर्मली कनेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों, ये तब भी फ्यूचर के लिए काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये काफी अच्छा मदरबोर्ड है। मैं कहना चाहूंगा कि आप इसी मदरबोर्ड के साथ जाएं, क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी फीचर्स मिलती हैं। बस जो ये लैक करता है वो है एनवीडिया का SLI। मूव करते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की साइड, और ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने चूज किया है Zotac GTX 970। तो फिर दोस्तों, ये काफी फेमस ग्राफिक कार्ड है, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, बल्कि इसके बारे में काफी इसके रिव्यूज भी देखे होंगे। तो फिर ये इस रेंज में बेस्ट ग्राफिक कार्ड है जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। ये आपको Amazon पे कुछ 26,500 का मिल जाता है, जो कि एक काफी अच्छा प्राइस पॉइंट है इस ग्राफिक कार्ड के लिए। इसमें आपको 4GB की VRAM मिलती है, जो कि अभी के सारे गेम्स को खेलने के लिए काफी है। आप इस पर सारे के सारे गेम्स को, जैसे कि GTA 5, Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, Rainbow Six Siege और The Division को अल्ट्रा सेटिंग्स पर 60fps पर खेल पाएंगे। आप इस पर 1440p पर भी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी सेटिंग्स का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और मीडियम सेटिंग्स पर आना पड़ेगा 60fps पर खेलने के लिए। इसमें आप इसे कोर क्लॉक को +200 MHz से ओवरक्लॉक कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी को +400 MHz से ओवरक्लॉक कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ 5 से 7fps का बूस्ट दे सकता है आपके गेम्स में। अगर बात करें CSGO और Minecraft की, तो फिर ये उन दोनों गेम को एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स पर 300+fps पर चला सकता है। तो फिर दोस्तों, इसी के साथ मूव करते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारी रैम। रैम के लिए मैंने चूज करी है कॉर्सेयर वैगनेंस की DDR4 रैम। ये एक 8GB की सिंगल स्टिक है, और ये क्लॉक्ड है 2400 MHz पर। तो फिर दोस्तों, मेरे हिसाब से एक 8GB की रैम गेमिंग के लिए काफी है। अगर आप कोई प्रीमियर प्रो या फिर एक हैवी फोटोशॉप यूजर हैं, तो फिर आप और रैम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 8GB रैम काफी है। ये आपके सारे के सारे गेम्स खेलने के लिए भी काफी है, और आपको गेम्स में कोई डिले नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी स्पीड काफी हाई है। कुछ कुछ गेम्स हैं, जैसे कि स्टार वॉर्स बैटल फ्रंट, वो रिकमेंड करते हैं कि आपके पास कम से कम 16GB रैम हो, लेकिन मैं उन सब गेम्स को खेल चुका हूँ और वो 8GB रैम पर एकदम सही काम करते हैं। तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक सिंगल 8GB रैम स्टिक ही खरीदें। मूव करते हैं अब अपने अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारा पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई के लिए मैंने चूज किया है कॉर्सेयर का VS650। तो फिर दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आप एक काफी रेप्यूटेड कंपनी का पावर सप्लाई खरीदें, क्योंकि पावर सप्लाई ही आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेगा। तो फिर दोस्तों, जो ये पावर सप्लाई है VS650, ये एक 650W का पावर सप्लाई है, और इस बिल्ड के लिए ये 650W काफी है इस पूरे के पूरे बिल्ड को पावर अप करने के लिए। इसमें हमारा GTX 970 और हमारा i5 6600K
एकदम काफी अच्छी तरह चल जाएंगे। अगर आप एक 550 वॉट का पावर सप्लाई भी चूज करते हैं वो भी सही रहेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा फ्यूचर के लिए रेडी होना है या फिर अगर आप फ्यूचर में कुछ अपग्रेड भी करेंगे तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए आप 650 वॉट का ये खरीदें और आपको बाद में कभी फ्यूचर में अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। तो फिर दोस्तों इसी के साथ आते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारी हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के लिए मैंने चूज करी है WD Caviar Blue 1TB। तो फिर दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लिए 1TB का स्पेस काफी होगा अपने सारे के सारे गेम स्टोर करने के लिए, OS के लिए और आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर आप एक काफी इंटेंसिव गेमर हैं तब भी आपके लिए 1TB का स्पेस काफी होना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि आजकल गेम्स का स्पेस बड़ा होता जा रहा है, जैसे कि क्वांटम ब्रेक है कुछ 68GB का, लेकिन दोस्तों मैं इस बात पर इतना स्ट्रेस नहीं करूंगा क्योंकि आप फ्यूचर में और हार्ड डिस्क या फिर एक SSD भी लगा सकते हैं। इसकी RPM भी काफी अच्छी है जो कि है 7200। तो फिर दोस्तों इसमें आपको कॉपिंग स्पीड में हार्ड डिस्क के बीच में काफी अच्छी मिल जाएगी। तो फिर अब मूव करते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट के लिए मैंने चूज किया है कॉर्सेर का कार्बाइड सीरीज का स्पेक 01। तो फिर ये काफी अच्छा कैबिनेट है। इसमें आपको सामने की साइड USB 3 का हेडर मिल जाता है, USB 2 का हेडर मिल जाता है और ऑडियो इन और ऑडियो आउट का भी हेडर मिल जाता है। इसमें साइड में एक बड़ी सी साइड पैनल विंडो है ताकि आप अपने केस के अंदर का सब कुछ देख पाए। इसमें आप 420mm लॉन्ग ग्राफिक कार्ड्स भी लगा सकते हैं। इसमें आप लगा सकते हैं 4 फैंस जो कि सामने की साइड लगते हैं 2 120mm या 140mm के और ऊपर की साइड लगते हैं 120mm के। इसमें आपको सामने की साइड और नीचे की साइड डस्ट फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। तो फिर दोस्तों ये काफी अच्छा कैबिनेट है 6000 की रेंज में। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जल्दी लाता रहूंगा। धन्यवाद।